हिमाचल प्रदेश में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समर्पण अभियान धर्मशाला के वाल्मीकि मंदिर से शुरू हो गया है, जिसकी शुरुआत बकायदा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारी बाह सुरेश भैया जी जोशी द्वारा की गई है। भैया जी जोशी द्वारा वाल्मीकि धर्मशाला के मंदिर से इस अभियान की शुरुआत के साथ ये संदेश देने की कोशिश की गई कि भगवान राम को सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि के जरिए ही लोगों को जानने का मौका मिला और आज देश में जब भगवान राम के जन्म की भूमि पर सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है तो ऐसे में क्यों ना इसके लिए शुरू हुए समर्पण अभियान की शुरुआत वाल्मीकि मंदिर से की जाए। इस खास मौके पर उन्होंने कहा कि धर्मशाला से इस अभियान की शुरुआत मकर संक्रांति से की गई है और ये माघ पूर्णिमा तक चलेगा, जिसमें राम जन्मभूमि मंदिर के भव्य निर्माण के लिए जन जन से सहयोग की अपील की जाती है। इस मौके पर उन्होंने शिवसेना द्वारा लगाए जा रहे आम चुनावों के प्रचार के आरोपों को भैया जी ने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि अभी साल 2024 के आम चुनावों के लिए लंबा अरसा पड़ा है, ऐसे में कोई दल अगर इस तरह के आरोप लगाता है तो वो पूर्णतः बेबुनियाद है। वहीं इस समर्पण अभियान में 2100 रुपए का समर्पण करने वाले रतन हंस हिमाचल प्रदेश के पहले शख्स बने। उन्होंने इसके लिए खुद को गौरवान्वित होने की बात भी कही। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास जो है उनकी योजना है और न्यास ने सबको आह्वान किया कि भव्य मंदिर निर्माण होने जा रहा है, अब हमें सबको सहयोग कीजिए। तो हम सब लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के और बाकी भी समाज के बहुत धर्माचार्य संत लोग सब इस आंदोलन से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। स्वाभाविक रूप से राम के प्रति हम सबके मन में भक्ति है और जब इस मंदिर निर्माण की सब बाधाएं दूर हुई और मंदिर निर्माण का संकल्प हुआ तो स्वाभाविक रूप से कैसे बनेगा, तो तीर्थ क्षेत्र न्यास ने निर्णय किया कि हम सरकार के सहयोग से ये मंदिर नहीं बनाएंगे और मंदिर बनेगा जनता की सहायता से। सामान्य जन इस राम मंदिर की सारे आंदोलन से जुड़े हुए होने के कारण उनका सहयोग इस मंदिर के लिए मिले, इसलिए जन जन तक जाना है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की कोई संगठन नहीं है, वो एक न्यास है और अगर इतने लोगों तक जाना है तो जब ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के संगठन मठ आश्रम मंदिर सब इसके लिए प्रयास करेंगे तो ये संभव है, ऐसा एक विचार करके उन्होंने भी आह्वान किया। हमने कहा कि हम इसमें आपको सहयोग करेंगे। तो पहली बात, ये जो अभियान है ये संघ का नहीं है, ये तो श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का है, हम उसमें सम्मिलित हुए हैं और मैं मानता हूँ कि केवल संघ नहीं, इसमें तो समाज की कई प्रकार की संस्थाएं इसमें लगी है। आज पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी भी नागपुर में एक इसी काम कार्यक्रम के लिए गए हैं। दक्षिण के कई संत है, जीयर स्वामी चिन्ह जीयर स्वामी है, रामानंद पंथ के बहुत बड़े स्वामी हैं, वो इसके लिए लगे हैं। पेजावर के जो मठ है उस मठ के लोग लगे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सारे समाज का काम है और हम समाज में एक, हम भी एक संगठन के रूप में हैं, तो हमने भी कहा कि हम इसमें आपको सहयोग करेंगे। इस दृष्टि से हम सब दूर जा रहे हैं, हमारी शक्ति संगठन की शक्ति है तो देश के सब प्रांतों में है, इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारी कुछ भूमिका इसमें रह सकती है, इतना ही केवल इसका पीछे का उद्देश्य है। और जन जन के सहयोग से ये बने। मुझे पुरानी घटना याद है कि जब गुजरात में सोमनाथ का मंदिर बना उस समय भी यही निर्णय हुआ था कि इसको सरकार निर्माण नहीं करेगी, ये हिंदू समाज का मंदिर है, हिंदू समाज इसको बनाएगा, यही कल्पना इस मंदिर के बारे में भी है। मैं समझता हूँ कि यही उद्देश्य है और हम उसके एक सहयोगी है, इसलिए ये केवल संघ का कार्यक्रम नहीं तो न्यास के निमित्त से हम लोग आए।
मंदिर तो देखिए, मंदिर एक तो नागर शैली का मंदिर है, ये पूरा का पूरा मंदिर पत्थरों से बनेगा, इसकी ऊंचाई 160 फीट के आसपास है, उसकी लंबाई है लगभग 350 फीट और चौड़ाई 225 फीट है, पूरे पत्थरों का बनेगा। और इसके आसपास की जो भूमि कभी अधिग्रहित हुई थी राम मंदिर के लिए ही, वो भी लगभग 67 एकड़ भूमि है, वहाँ पर और भी जनोपयोगी आवश्यक वहाँ पर व्यवस्थाओं का निर्माण करेंगे। अभी क्या क्या बनेगा वो तो निश्चित हो रहा है, पर स्थूल रूप से कहा जाए तो अच्छा, एक संदर्भ ग्रंथालय बनेगा, वहाँ पर एक म्यूजियम बनेगा, वहाँ पर एक सत्संग भवन बनेगा, ऐसी कुछ चीज़ें वहाँ बनेगी, क्योंकि तो लाखों की संख्या में लोग आएंगे, तो लोगों को वहाँ भगवान राम को जानने की कुछ व्यवस्था हो, इस नाते कई प्रकार की बातें वहाँ करेंगे, ऐसा एक न्यास ने सोचा है। ये महम केवल एक मंदिर का निर्माण नहीं है, तो ये मंदिर देश की एकात्मता का प्रतीक है, क्योंकि जब आंदोलन चला तो आंदोलन में देश के सभी राज्यों के लोग आए, देश के सभी जाति बिरादरी पंत संप्रदाय सबने इसमें अपनी अपनी भूमिका निभाई थी। उन्हें मंदिर केवल एक अयोध्या में मंदिर बनना इतना ही केवल इसका उद्देश्य नहीं है, तो कई प्रकार की सांस्कृतिक बातों का केंद्र बनेगा, भारत की एक पहचान का केंद्र बनेगा, यहाँ से लोग जीवन की प्रेरणा लेकर जाएंगे, क्योंकि भगवान राम का जीवन ही दो शब्दों से जुड़ा हुआ है, एक मर्यादा है एक पुरुषोत्तम है, वैसे पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है, और ये मैं समझता हूँ कि देश के और दुनिया में फैले हुए करोड़ों हिंदुओं के श्रद्धा का विषय है, और ये श्रद्धा का केंद्र बनेगा जिसमें करोड़ों हिंदू अपनी भावनाओं को देखेंगे कि हमारी भावनाएं इस मंदिर के द्वारा प्रकट होती है। ये तो कोई आरोप करने वाले तो कुछ भी कर सकते हैं, तो हम आरोप करने वालों की ज्यादा चिंता नहीं करते। देश में हर विषय को चुनाव के साथ जोड़कर देखना ये भी अच्छा नहीं, ये स्वस्थ लक्षण नहीं है। कई बातें देश में चलती रहती है, हर बात को राजनीति से जोड़कर देखना ठीक नहीं, कभी भी करेंगे अभी 4 साल चुनाव के, तो 24 में चुनाव है, इसके लिए अभी से क्यों तैयारी करेंगे कोई, और जिसको करना है वो करेंगे, हम तो मंदिर के लिए कर रहे हैं। नहीं वो तो न्यास देखेगा, न्यास की जिम्मेदारी है, न्यास देखेगा। देखिए देश के प्रधानमंत्री जी वहां भूमि पूजन के लिए गए, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता के नाते नहीं गए, देश के प्रधानमंत्री हैं, 130 करोड़ के प्रतिनिधि के रूप में गए। ये हमने 2100 रुपया दिया है, जो कि हंस परिवार की ओर से है, मैं घर का मुखिया हूँ, तो ये हमने जो राशि दी है ये एक तुच्छ सी भेंट है, जो राम मंदिर निर्माण के लिए हम दे पाए। मैं अपने पूरे परिवार को भाग्यशाली समझता हूँ कि ये जो कार्यक्रम चला है प्रथम बार हमारे परिवार से चला है, और मैं अपने आप को अपने परिवार को स्वयं बधाई देता हूँ कि हमें ऐसा मौका मिला कि हम इसमें भागीदारी दे सकें।